मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलता नहीं, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण में हम लोग संज्ञा टॉपिक को पढ़ेंगे, जो काफी आसान और काफी मजेदार टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं संज्ञा को, और ध्यान से सुनिएगा सारे बातों को, जिसके बाद फिर इससे संज्ञा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो निश्चित रूप से बनेगा, और बहुत ही बेहतर तरीका से आसानी से यहाँ पे बताएंगे संज्ञा को। तो संज्ञा, सबसे पहले सोचते हैं संज्ञा होता क्या है। संज्ञा मतलब हो गया एक प्रकार का नाम, और नाम किसका, तो हमारे आसपास जितना भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, जो भी स्थान है, जो भी हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है, यानी हर एक चीज का जो नाम होता है, वही नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। कोई भी चीज, हमारे आसपास जितने भी वस्तु है, बिना नाम का कोई वस्तु आपको नहीं मिलेगा। तो किसी भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम नहीं हो, ये संभव ही नहीं है। तो हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ कोई भी चीज जिसका नाम है, तो वो नाम ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो कोई भी नाम है वो हमारा संज्ञा होता है। तो संज्ञा को जो है, पहले जो है संज्ञा को हम लोग पढ़ते थे, संज्ञा को पांच भाग में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। लेकिन आधुनिक व्याकरण के अनुसार क्या किया गया है, जो हमारा जातिवाचक है, इस जातिवाचक को दो भाग में बांट दिया गया है। क्योंकि जब हम लोग जातिवाचक पढ़ेंगे, तो यहां से जो दो प्रकार है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये लगेगा कि ये दोनों जो है हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आता है। इस कारण से आधुनिक ग्रामर के अनुसार संज्ञा को जो है टोटल तीन भाग में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन सा हो जाएगा, संज्ञा का भेद जो है तीन प्रकार का जो संज्ञा है, पहला हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, दूसरा हमारा जातिवाचक हो जाएगा, और तीसरा हमारा भाववाचक हो जाएगा। और जो जातिवाचक है, इसको दो भाग में बांटा गया, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये हमारा संज्ञा का प्रकार है। संज्ञा का प्रकार पूछा जाए तो कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीन प्रकार का। हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि कोई भी नाम है वो हमारा क्या होता है, संज्ञा। तो यहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक मतलब हो गया कोई भी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम है, किसी भी स्पेशल व्यक्ति का नाम हो, किसी भी स्पेशल स्थान का नाम हो, तो कोई भी स्पेशल चीज है वो सब हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कृष्ण, तो हमारे मन में आ जाता है कि कृष्ण भगवान। जैसे हम लोग बोल देते हैं राम, तो राम भगवान आ जाता है। तो कोई भी खास व्यक्ति, जैसे हम लोग बोल देते हैं गांधी जी, तो हर हाल में महात्मा गांधी के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं भगत सिंह, तो भगत सिंह के बारे में, जैसे हम लोग बोल देते हैं सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति, तो किसी भी खास व्यक्ति जो है, कोई भी विशेष व्यक्ति जो है जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो वो विशेष व्यक्ति का जो नाम होता है वो हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। कोई विशेष व्यक्ति हो गया, या कोई विशेष जो है वस्तु हो गया। वस्तु में भी अगर कोई विशेष वस्तु, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं रामायण, तो रामायण मतलब एक विशेष पुस्तक है। जैसे बोल दिए गीता, तो गीता एक हमारा विशेष पुस्तक है। फिर इसके बाद बोल दिए कुरान, बाइबिल, तो ये सब कोई विशेष पुस्तक के नाम को दर्शा रहा है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर स्थान विशेष का नाम, कोई भी विशेष स्थान, जैसे दिल्ली बोलते हैं, भारत हम लोग बोलते हैं, फिर हिमालय बोलते हैं, तो ये सब
एक विशेष स्थान का नाम है जिस चीज को हम लोग जान रहे हैं। तो किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, यानी जो भी विशेष है जिसको हम लोग जान रहे हैं, जो सिर्फ स्पेशल चीज को दर्शाता है, तो वो सभी का सभी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब जिस संज्ञा के द्वारा व्यक्ति विशेष के नाम, वस्तु विशेष के नाम और स्थान विशेष के नाम का बोध होता है, ये सब हमारा क्या कहला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला जाएगा। अब यहाँ पे व्यक्तिवाचक के बाद दूसरा संज्ञा हमारा क्या? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा मतलब हो गया पूरे जाति का बोध वहां पे कराता है। अब जैसे अगर हम लोग बोलते हैं घोड़ा, तो घोड़ा मतलब हो गया कि घोड़ा बहुत सारा होता है और सभी जितना भी घोड़ा है सबको हम लोग घोड़ा ही कहते हैं। अब जैसे हम लोग बोलेंगे पंखा, तो पंखा तो हमारे रूम में भी जो लगा है वो भी पंखा ही कहलाएगा, आपके रूम में जो लगा है वो भी पंखा ही कहलाएगा, किसी भी जगह पे जो लगा हुआ है तो उसको हम लोग पंखा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरे पंखा समूह का बोध करा दिया, ये हमारा जातिवाचक हो गया। किसी भी, अब जैसे अगर बोल देते लड़का, तो पूरे लड़का जाति का बोध हो गया, तो यहाँ पे हमारा जातिवाचक हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बोल दिए आम, तो आम में जितना भी आम आ जाता है, आम में जैसे देखते हैं मालदा आम, कलकतिया आम, जो भी आम है, तो सब जो है वो आम के ही श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये आम हमारा क्या? पूरे जाति का बोध करा रहा है। जैसे हम लोग बोल दिए पुस्तक, तो जितना भी, अब जैसे फिजिक्स का बुक है, केमिस्ट्री का बुक है, बायोलॉजी का, जो भी है, सब का सब क्या है? पुस्तक हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे पुस्तक का बोध करा दिया, पूरे पुस्तक जाति का बोध हो गया। तो ये सब हमारा, अब जैसे बोल देंगे गाय, तो पूरे गाय जाति का बोध हो गया। तो जहां पे पूरे समूह के पूरे जाति का बोध होता है, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो यानी जातिवाचक संज्ञा मतलब हो गया वैसा संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे जो हमारा जातिवाचक संज्ञा, वो दो प्रकार का, एक हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक, दूसरा हो जाएगा समूहवाचक। तो समूह मतलब हो गया कि जो चीज हमारा झुंड में रहता है, एक समूह में रहता है, वो सब हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ पे टीम, टीम टीम मतलब हो गया पूरे, वो हमारे जाति का बोध करा रहा है। और टीम कह दिए तो कोई भी टीम रहता है तो उसमें बहुत सारे सदस्य एक साथ समूह में रहते हैं। जैसे अगर बोल दिए क्रिकेट टीम, तो यहाँ पे क्रिकेट टीम मतलब हो गया कि एक टीम में टोटल 11 यानी 11 सदस्य हैं। तो इस तरह से वो पूरे समूह का बोध करा रहा है टीम, तो वो हमारा समूहवाचक हो जाएगा। जैसे बोल दिए कक्षा, कक्षा मतलब जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी हो, बहुत सारे स्टूडेंट हो, तो पूरे स्टूडेंट का जो समूह हो गया वो हमारा वर्ग बनता है, कक्षा बनता है। जैसे बोल दिए सेना, तो सेना मतलब हो गया पूरे सेना का जो एक समूह हो गया, वो पूरे समूह, सेना के जाति का बोध करा दिया, पूरे समूह का बोध करा दिया, वो हमारा सेना। अब जैसे बोल दिए गांव, तो गांव मतलब पूरा गांव जो है, वो गांव में मतलब क्या? आदमी जो भी रहते हैं वो पूरा समूह में रहते हैं, तो वो हमारा समूहवाचक। जैसे बोल देंगे परिवार, तो परिवार में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, वो सब एक समूह में रह रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक। मतलब जहां पे बहुत सारे समूह का, बहुत सारे झुंड का बोध होता है, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? समूहवाचक के संज्ञा के अंतर्गत। अब जैसे यहाँ पे जातिवाचक का हमारा दूसरा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में ध्यान रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब हो गया कि जिस वस्तु को हम लोग नापते या तौलते हैं, खरीदते समय जो है उसको नापा या तौला जाता है, वो हमारा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। अब जैसे सोना, तो सोना जो हो गया वो एक प्रकार का द्रव्यवाचक है, क्योंकि सोना खरीदते समय हम लोग उसको नाप तौल के लेते हैं, तो वो सोना हमारा क्या हो गया? एक द्रव्यवाचक के। चांदी, तेल, तो तेल जब खरीदने जाते हैं तो वहां पे भी हमको नाप तौल के मिलता है, तो जो भी वस्तु हमको नाप तौल के मिलेगा, मापा तौला जाएगा, या जो भी हमारा मेटल यानी धातु है,
ये सब का सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये सब का सब जो है ना द्रव्यवाचक के अंतर्गत, नापने या तोलने वाला बात जहां पे होगा वो सब ध्यान रखना है, ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से लग रहा होगा ये जो द्रव्यवाचक है और ये जो समूहवाचक है किसी जाति से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बोल देंगे सोना, तो जितना भी सोना का जेवर बन रहा है, जो भी जेवर है वो सब एक जाति, यानी पूरा जाति भर का बोध करा रहा है, पूरे सोना भर का बोध करा रहा है, तो वो जातिवाचक के अंतर्गत किसमें है, द्रव्यवाचक में। तो जातिवाचक के अंतर्गत जिसको हम लोग नापते तोलते हैं वो सब हमारा द्रव्यवाचक के अंतर्गत, और जो चीज हमारा झुंड में समूह में रहेगा वो सब हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब जैसे अगर हम लोग बोल दिए केला, तो केला मतलब पूरा जितना भी तरह का केला होता है वो सब का सब जो है वो जातिवाचक के अंतर्गत हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोल देंगे केला एक दर्जन है, तो एक दर्जन केला है, तो यहाँ पे वो 12 यानी समूह का बोध करा दिया। तो यहाँ पे समूह जो होता है वो भी जाति के अंतर्गत आता है। तो जहां पे दिखे पूरे झुंड का बोध दिखे तो समूहवाचक बताना है, जहां पे नापने तोलने का बात हो वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा संज्ञा है इसका प्रकार भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा को पता करना है, भाववाचक संज्ञा मतलब जो हमारे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं बचपन, तो बचपन का हम लोग अनुभव किए हैं, उस बचपन को देखे नहीं है, बचपन का अनुभव किया जाता है। जैसे बुढ़ापा, तो सोचिएगा कि हम तो बूढ़ा आदमी को देखे हैं, तो बूढ़ा आदमी को, बूढ़ा व्यक्ति को देखे हैं लेकिन उसके बुढ़ापा को नहीं देखे हैं। जैसे बचपन है तो उस बचपन कोई भी बच्चा है तो उस बच्चा को हम लोग देखते हैं, उसके बचपन को नहीं देखते हैं। जैसे कोई आदमी गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, क्रोध, तो क्रोध जो है वो हमारे भावना से जुड़ा हुआ है, क्रोधित व्यक्ति को देखते हैं, उसके क्रोध को हम लोग नहीं देखते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे गुण भाव दशा कर्म ये सब का बोध कराता है तो वो हमारा हो जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, तो ईमानदार व्यक्ति को देखे हैं, उसके ईमानदारी को हम लोग नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे जिस चीज को हम लोग अनुभव कर सकते हैं वो चीज हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो इस तरह से संज्ञा जो है आसानी से सब ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब संज्ञा का 3 प्रकार हो गया, इसमें जो हमारा जातिवाचक था इसका 2 प्रकार हो गया। तो यहां तक इसको समझ गए, इसका क्वेश्चन बनाइए, निश्चित रूप से बनेगा संज्ञा से रिलेटेड। तो पढ़ाई जो है निश्चित रूप से जारी रखिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।